देखते हैं, बोलो गर्मी में बड़ा एसी चला के घूमते हैं और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चलता रहता है, गाना सुनते हैं, तो मन करता है कि करता चला इसका भी मजा होना चाहिए। ये कैसे होगा सब कुछ? ये होगा धन से। सही बात है क्या? यस। और ऐसा नहीं है कोई भी आदमी यहाँ पे जो धन के लिए प्रयास ना करता। हर आदमी धन के लिए प्रयास करता है, नहीं करता? हम लोग ज्यादातर किसान फैमिली से, ऐसा ही है। नौकरी है तो छोटी से छोटी नौकरी है, तो हम ये देखते हैं कि किसान आदमी सोचता है कि इस वाली फसल में हमारा अच्छा पैदावार हो जाएगा तो हम ऐसा काम कर ले, ऐसा होता है? Yes. उसमें क्या होता है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है, तो सपना वैसा का वैसा ही बना रहता। ऐसा भी हमने देखा कि नहीं देखा? जो हमारे दुकानदार भाई बंधु हैं, वो भी देखते हैं अपने जीवन में कि इस सीजन में हम ऐसा वाला बिक्री ज्यादा कर लेंगे, ऐसा काम हो जाएगा तो हम ऐसा काम कर लेंगे। उनको भी देखा होगा कि खाली हाथ रह गए होंगे। हमारे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऐसा वाला डिग्री हासिल कर लेंगे, फिर हमारी ऐसी नौकरी लग जाएगी तो हम सपना पूरा कर लेंगे। डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगता। ये चैलेंज है कि नहीं जिंदगी में? हर एक की जिंदगी में ये चैलेंज चल रहा है कि नहीं चल रहा? और जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, उम्मीद तो ये होती है कि इस बार हमारा 5-6 लाख रुपया प्रॉफिट आ जाएगा, और 6 लाख में हम तो 3-4 लाख में बेटी की अपनी शादी कर देंगे, 2-3 लाख बच जाएगा, घर में लगा देंगे, घर बना देंगे। ऐसा भी हम सपना देखते कि नहीं देखते? बहुत सारे लोगों ने मुर्गी पालन करके देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मछली पालन भी करके देखा होगा, पर कई तरह के हमने बिजनेस करने का प्रयास किया कि नहीं किया? यस। और देखा होगा 99% हम लोगों के हाथ में असफलता ही लगी, जो चाहा वैसा हुआ नहीं, जो हमारी चाह थी वो हमको मिला नहीं, जो हमें कपड़े पसंद थे वो हमको आज तक नहीं मिले, जो हमें बचपन में खिलौने पसंद थे वो अभी तक नहीं मिले, जैसा नो या तक कि जो हम खाना खाना चाहते हैं जैसा वो पर सही समय पे नहीं मिल पाता है। तो जिंदगी में चैलेंज चलता कि नहीं चलता? ठीक है। अभी चैलेंज कैसे पूरा होगा? करवाएगा तो परमपिता परमेश्वरी, कोई इंसान नहीं करा सकता। सही बात है। वो तो ईश्वर की मर्जी से जो होना है होगा, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है, वो तो ईश्वर ही करवाने वाले हैं। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम सुनील यादव है और मैं यूपी इटावा का रहने वाला हूं। जैसे सर बता रहे थे आर्मी से सर रिटायर होकर अभी आए हैं, अगर सर चाहते तो 15-20 साल नौकरी और कर सकते। अभी सर का 1 लाख रुपए तनखा है, तकरीबन 1 लाख में 90 से 95 हजार जा रहा था। अभी 2 से 3 साल के बाद 1.5-1.5 लाख हो जाता, 5-6 साल के बाद जब ये रिटायर होते उस समय सैलरी इनका तकरीबन 2 लाख रुपए होता। सही बात है, आज के 14 साल के बाद। लेकिन आप आज देखो, मैं 2004 में भर्ती हुआ था, जब 2004 में भर्ती हुआ था उस समय मेरी तनख्वाह 5 से 6 हजार रुपए हुआ करती थी महीने की, और उस समय सोने का रेट जो है 4 से 5 हजार 6 हजार रुपए था उसमें 2005। याद है कि नहीं? Yes. और आज की डेट में जो तनख्वाह है, नया अगर कोई भी इंसान भर्ती होगा सेना में या पुलिस में तो तनख्वाह कितनी होगी सर? 30 हजार 35 हजार 40 हजार। यस या नो? Yes. यही से स्टार्ट होगी। लेकिन आज की डेट में सोने का रेट क्या चल रहा था? 70 हजार। 75 पहुंच गया, बधाई हो आप। हम तो 70 ही सोच रहे थे, 75 बता रहे। अब आप देखिए, अब हमारे बीच में अगर हम खुद अपने बारे में सोचे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, संख्या की बात करें तो 90% से ज्यादा, 80% से ज्यादा हमारी जनसंख्या है जो 20 हजार से नीचे कमाती है। Yes, yes. सही बात है। Yes. और 20 हजार कमाने वाला आदमी कितने दिनों में 1 तोला सोना खरीद पाएगा? हाँ सर, कितने दिन लग जाएंगे? आज जो हमारे घरों में शादियां होंगी, जो पहले के टाइम में भी चलो इनकम वैसी थी, सोने का रेट भी वही था। आज जो देख रहे हैं ना आप शहरों में बड़े बड़े मकान, वो उन्होंने तैयार नहीं किए,
वो तो उन्होंने किसी ने या तो पिताजी करके गए हैं या उनके भी पिताजी करके गए हैं। सिंगल जनरेशन का काम नहीं है, ये नहीं कि अभी बेटे ने स्टार्ट किया है और बहुत बड़ा मकान खड़ा किया, ऐसा देखा क्या आपने? उनके पिताजी ने किया होगा या तो उनके पिताजी ने किया होगा। अब हमारे पिताजी कैसे थे नहीं, मेरे पिताजी किसान, और किसान क्या कर सकता है, सही बात है, वो सारे लोग ऐसे ही हैं। तो अपना जो घर है बना सकते हैं, तो पिताजी ने बना दिया पक्का, पहले कच्चा था, कच्चे से पक्का बना दिया, फिर उसमें प्लास्टर वगैरह कर दिया, फिर उसमें कलर वगैरह कर दिया। अब किसान आदमी अपने बच्चे को नौकरी दिलवाएगा, पहले तो किसान आदमी को पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई कौन सी करवा जिससे वो नौकरी ले, तो उनको बस दसवीं बारहवीं कर लेगा, फौज में पुलिस में चला जाएगा। तो वही हुआ कि हमारे जो दोस्त थे वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हम भी उसी में चले गए। तो जब भगवान की कृपा थी, ईश्वर की मेहरबानी कि मेरा 2005 में सिलेक्शन हो गया, 2004 में मैं ट्रेनिंग में चला गया। जब मैं आर्मी में जा रहा था या सिलेक्शन हो रहा था, तो फुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ अब मेरी जिंदगी बदल गई, मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। और ये हम सब लोगों का ये भ्रम जाता कि नहीं रहता, सही बात है, भ्रम तो वो बारहवीं होते होते टूट जाता आदमी का। नौवीं दसवीं में जब स्टूडेंट होता है तो उसके जो सपने हैं बहुत चरम पे होते हैं, बहुत बड़े सपने होते हैं कि बड़े होंगे अच्छा घर होगा, जो गाड़ी देखते हैं हम ऐसी ही गाड़ी लेंगे, घर देखते बोला ऐसा ही घर बनाएंगे। अरे हम दिवाली पे जब हम अपने घर में पोस्टर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तो उसमें जो गाड़ी का फोटो होगा एकदम हाई क्लास का, लंबोर्गिनी फरारी जैसा गाड़ी का फोटो लगाते हैं। कोई बोलेरो का फोटो लगाता है क्या? कोई स्विफ्ट का फोटो लगाता है क्या? हम दो दो तीन तीन चार चार करोड़ की गाड़ियों का फोटो लगाते हैं, हम हेलीकॉप्टर का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन कभी कोई आदमी बोलेरो गाड़ी का फोटो नहीं लगाता। ऐसा नो घर में कभी ऐसा देखा सिंगल एक मंजिल के घर का फोटो लगाया हो? हम ऐसे घर का फोटो लेके आते हैं जिसके घर के सामने स्विमिंग पूल हो और 5-6 कमरे हो, बड़ा सा एरिया हो, बाहर गार्डन हो, एक चेयर और 2 लोग बैठे हो, ऐसा वाला हमने फोटो लगाया कि नहीं लगाया? नौवीं दसवीं क्लास में लगाया। और जिनकी उम्र आज 40 साल हो गई है, जिनकी उम्र आज 30 साल 35 साल है, क्या वो इंसान, क्या वो लेडीज वो वाला आज फोटो लगाते हैं? बच्चे जरूर लगाएंगे, लेकिन हम लोग वो फोटो लेके नहीं आते। ऐसा ना हो, क्योंकि हमको अपनी हकीकत पता लग चुकी है कि हम वो चीज नहीं ले सकते, इसलिए नहीं लगाते। ऐसा ना हो तो ऐसे होता नौकरी में भी। तो अम्मी क्या 2004 में चले गए नौकरी में, लगा कि सपना बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, बहुत